head. Well, ball first. Okay. Oopsie. Cut away. Doesn't go to the boundary. Will be cut off. Oh no. Will be. कुल फिक्स था वो नॉर्मल रूटीन वाला मैच है ही नहीं था। अगर वो होता तो आपको नज़र आता, वो नॉर्मल रूटीन वाला मैच ही नहीं दिख रहा था। उनके जो प्लेयर हैं वो इस तरह खेल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो कैसे खेली, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं इसी तरह वो उनके खिलाफ खेलते। इतना फाइट मैच होना था, ये आप देख लें, नॉर्मल रूटीन वाला मैच नहीं था, फिक्स था, बिल्कुल फिक्स था। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अलकुमा मलिक और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज। जैसे की आप सब जानते हैं कि कल मैच हुआ और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मैच फिक्स था। देखने वाले खुश नहीं हैं उस मैच से, जो आवाम है वो मतलब बहुत गुस्से में है कि मैच फिक्स क्यों किया गया, वो इंडिया को नहीं देखना चाहती थी। खैर, आइए आवाम से जानते हैं कि वाकई मैच में मैच फिक्स था या फिर कोई और बात है। Doesn't go to the boundary, will be cut off. Oh no! Will be. वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ। कहाँ से हैं? यहाँ से, लाहौर से। अच्छा, मुझे बताएंगे कि इंडिया और अफगानिस्तान का मैच आपने देखा है? जी देखा है। तो आपको क्या लगता है कि मैच फिक्स था? ये मैच फिक्स था, ये वाजिया पता चल रहा है, ये फिक्स था। इतने स्कोर उन्होंने खाए हैं, ये 210 स्कोर, और वो ऐसे बोले फेंक रहे जैसे आगे बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ। ये बच्चों के साथ नहीं, वो जैसे हम खेलते ये ऐसे खेल रहे थे, इजीली हो गए। वो एक हर ओवर में एक छक्का खा रहे थे, वो खेले नहीं ऐसे इंडिया के साथ, वो इंडिया के साथ खेले नहीं है। वो मैच फिक्स था, वो इसलिए ये तीन टीमें हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और एक और टीम है इंग्लैंड, ये तीनों ने एक ICC बनाई हुई है, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने जो कहना है दूसरी जो छोटी टीमें उन्होंने करना है, वरना वो उनको ये उन्होंने कहा अगर ये ऐसे ना करते तो उन्होंने IPL में इनके खिलाड़ी नहीं लेने थे, ये मसला हुआ है ना, इस वजह से उन्होंने ऐसे किया है। ये अफगानिस्तान की मजबूरी थी और इंडिया ने इसके ऊपर प्रेशर डाला था। बिल्कुल फिक्स था, उनसे खेला ही नहीं गया, बिल्कुल ज़ीरो, जो जैसे पाकिस्तान की तरफ से जैसे खेले वैसे नहीं खेला गया। तो वो ठीक है, आपको लगता है कि फिक्स था? जी फिक्स था। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम कैसे मतलब जीत सकती है? नहीं, वो अफगानिस्तान की टीम भी अच्छी है, लेकिन वो उन्होंने जो उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो थी, जब पाकिस्तान खेला था ना उनकी जो कारकर्दगी उनकी साइड पर थी वो नहीं हुई जो इंडिया की साइड की है उन्होंने। वो तो ऑलरेडी सबको पता है फिक्स था, ठीक है। और जैसे हमसे वो हारा है, मेन मैच तो हमारा उनके साथ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड कप हार चुका है, तो इंशाल्लाह जितना मर्जी वो जोर लगा ले वो कभी भी नहीं सेमीफाइनल पहुंच सकता। वो सिर्फ अपने घर की टिकट ले और सुकून से जाए, अपने आवाम को खुश करे कि हम 200+ कर रहे हैं, और उनके अलावा उनके बस में कोई बात नहीं है। ऐसी बिल्कुल फिक्स था, वो नॉर्मल रूटीन वाला मैच है ही नहीं था। अगर वो होता तो आपको नज़र आता, वो नॉर्मल रूटीन वाला मैच ही नहीं दिख रहा था। उनके जो प्लेयर हैं वो इस तरह खेल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो कैसे खेली, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं इसी तरह वो उनके खिलाफ खेलते। इतना फाइट मैच होना था, ये आप देख लें, नॉर्मल रूटीन वाला मैच नहीं था, फिक्स था, बिल्कुल फिक्स था। जी, और अफगानिस्तान का मैच आपने देखा, तो क्या आपको लगता है कि मैच फिक्स था? जी मैच फिक्स था। कैसे? जब टॉस हुआ था ना तो कोहली उसको कह रहा था कि बॉलिंग करो पहले आप, तो इसलिए मैच उनका पहले फिक्स था। हाँ, प्रॉपर देखा, वो टोटल सिक्स मैच था, वो उसमें वन साइडेड मैच हुआ। इस बारे में कैसे कह सकते हैं, थोड़ा सा बताएं? आज इसमें इस तरह ना कि वो वन साइडेड इस तरह हुआ है कि पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने खेला, ठीक है, बाकी टीमों के अगेंस्ट उन्होंने खेला, लेकिन उसमें उनकी जो थी ना वो बिल्कुल ही जीरो पे गई है, मतलब खुद ही उन्होंने कैचेस दिए हैं और इन्होंने हाथ से बाउंड्रीज दी हैं उनको, ठीक है। और 210 का जो टारगेट है वो इस तरह है कि अभी तक पिचेज ऐसी है नहीं दुबई की कि वहाँ पर अभी तक किसी टीम को इतना स्कोर पड़ा हो, और अगर ये स्कॉटलैंड के अगेंस्ट होता तो हम समझते भी कि वो एक हल्की टीम है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास पावर हिटर थे, तो फिर भी इन्होंने मैच हिला दिया और ये फिक्स हुआ है मैच, प्रॉपर फिक्स था। वो ये था कि हमें तो यही लग रहा है कि जो हाल इंडिया का हो रहा था
तो सारी सिचुएशन जो इंडिया में चल रही थी वो सबको पता है कि क्या थी क्या नहीं थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम यही कहेंगे कि जैसे उन्हें अफगानियों को मार पड़ रही थी तो ये कोई डील ही हुई है, ठीक है। तो इंडिया में जो हाल है, अब कोहली तो उधर जाने वाला है नहीं कि उधर जाके कोई अपने इत्मीनान से रह सके। मेरा ख्याल है कि वो दुबई में दो मंथ रहेगा। अच्छा, आपको कैसे लगता है कि कोहली जो है, विराट कोहली, वो दो महीने दुबई रहेंगे, इंडिया नहीं रहेंगे? ये मेरी अपनी जो है ना कन्फर्मली जो मेरी बात है ना, वो मुझे पता चली कि वो दो मंथ के लिए इंडिया नहीं जाएगा, वो अपने मुल्क में नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो फिर बिल्कुल या मार पड़ जाएगी या घर से छतराव होगी, इसके अलावा वो घर के अंदर एंटर नहीं हो सकता अपने मुल्क में। बहुत शुक्रिया।